हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल फाइन। मैं नाम सत्यजीत, आप देख सकते हो गेमर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन खेलते हो, एंड आप में से ही वही लोग मेरे इंस्टाग्राम के अंदर आकर एंड मेरे बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर आकर आप पूछ रहे हो कि क्या हमारा पबजी मोबाइल केयर वर्जन का जो अकाउंट है वो क्या हम पबजी ग्लोबल के अंदर स्विच कर सकते हैं, या फिर हमारा जब पबजी इंडिया आएगा तब वहाँ पर हमारा ये वाला अकाउंट क्या स्विच हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, और आपके जो डाउट्स है वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो के अंदर जो जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे वो कमेंट्स रहे ये वाले, और इनको अ बिग शाउट आउट। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे पबजी की रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि चांसेस कितना है कि आपका जो कोरियन वर्जन अकाउंट है वो आपका ग्लोबल या पबजी इंडिया के अंदर ट्रांसफर होगा, तो इसका चांसेस कितना है। तो चांसेस लगभग 2% है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही, 100% में से सिर्फ ओनली 2% ही चांस है कि आपका जो अकाउंट है वो वहाँ पर स्विच होगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि पबजी मोबाइल ग्लोबल या पबजी मोबाइल लाइट जब पबजी इंडिया में बैन नहीं हुआ था, तब सिर्फ प्ले स्टोर के अंदर आपका पबजी ग्लोबल देखने के लिए मिलता है, पबजी लाइट देखने के लिए मिलता था, पबजी कोरियन, वियतनाम एंड ताइवान इन तीनों देखने के लिए नहीं मिलता था। क्योंकि ये जो पबजी कोरियन वर्जन, पबजी ताइवान वर्जन एंड पबजी जो वियतनाम वर्जन है, ये सारे के सारे जो पबजी वर्जन्स थे ये सिर्फ एक रेस्पेक्टिव उन कंट्रीज़ के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि हमारा पबजी इंडिया आने वाला है कुछ ही महीनों के अंदर, तो वो भी हमारे इंडिया के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट, अगर मतलब आप सोचोगे अच्छे से तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पबजी कोरियन वर्जन के अंदर अगर आप अकाउंट बनाते हो एंड आपका वो अकाउंट अगर लॉस्ट, वो बैन कर देते, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो गेम हमारे कंट्री के लिए बनाया नहीं गया है, वो सिर्फ कोरियन एंड जापान वालों के लिए बनाया गया है, और हम खुद उसको टैप टैप या थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करके हम खेल रहे, तो इसमें हमारा ही दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो गेम ही बनाया गया है उनके कंट्री के लिए, ना कि हमारे कंट्री के लिए। तो हम दूसरे कंट्री का गेम यहाँ पर लाकर खेल रहे, अगर अकाउंट बैन करेंगे तो हम कोई उनको ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और ग्लोबल अकाउंट जो है वो सारे वर्ल्ड के लिए होता है, लेकिन ये जो पबजी कोरिया है सिर्फ कोरियन जापान वालों के लिए, पबजी वियतनाम या वीएन वर्जन जो है वो सिर्फ वियतनाम कंट्री के लिए है, वैसे ही ताइवान जो है पबजी ताइवान वो सिर्फ ताइवान वालों के लिए, तो वैसे ही कोरियन वर्जन सिर्फ कोरियन एंड जापान वालों के लिए है। और हम लोग इंडिया वाले, हम कोरियन पबजी को अपने कंट्री में लाकर खेल रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, वहाँ पर खेल रहे हैं, तो एंड दूसरे कंट्रीज़ के लोग अगर वहाँ पर खेल रहे तो जो कोरियन प्लेयर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब खेलने में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए वो सारे के सारे ये जो बैन है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोरियन पबजी को कोई ब्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अगर आप बोलने जाओगे कोरियन वालों को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हम लोगों ने इतना खेला, इतना पैसे वेस्ट किया है, आप लोग हमारा अकाउंट नहीं ले सकते हो, हमारा अकाउंट वापस दो, तो वो लोग यही बोलेंगे हम लोगों ने आपको नहीं बोला था कि आप लोग हमारा गेम को खेलो, क्योंकि ये गेम आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था गूगल प्ले स्टोर पर, आप थर्ड पार्टी ऐप से इस गेम को इंस्टॉल कर रहे हो, खेल रहे हो और हम लोगों को ब्लेम दे रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए हम पबजी कोरियन वर्जन को ब्लेम नहीं कर सकते, वो बैन कर रहे हैं तो मतलब उनके कंट्री के लोगों के लिए ही कर रहे हैं, और हमारा जो पबजी इंडिया जब आ जाएगा तो सिर्फ वो जो पबजी इंडिया होगा सिर्फ हमारे पबजी इंडिया के लिए ही अवेलेबल होगा, वो भी कोरियन प्लेयर्स या जापान प्लेयर्स या वियतनाम प्लेयर्स या ताइवान प्लेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वर्जन पबजी वाले लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पबजी इंडिया तो बहुत ही जल्द आने वाले, बहुत बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर बोल भी रहे हैं, एंड कुछ मतलब बातें सुनने में भी आ रहा है कि हमारा बहुत जल्द मे के अंदर पबजी मोबाइल इंडिया आ जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो पबजी इंडिया जब आ जाएगा वो गेम सिर्फ इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव होगा, वैसे ही मतलब कोरियन प्लेयर्स या ताइवान प्लेयर या वियतनाम प्लेयर उनको खेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो भी हो, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि जो चांसेस है बहुत ही लो है, और आपका जो लास्टली जो आंसर है कि आपका जो अकाउंट है वो स्विच होना पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।